क्या आपको पता है, आप जिस रेस्टोरेंट में पनीर की सब्जी खाने जाते हो उसमें अधिक संभावना है कि वो पनीर दूध से बना ही ना हो, बल्कि वो महज यूरिया और मेलामिन नामक केमिकल का मिश्रण हो, या जिस शहद या अंडे को आप शरीर के लिए सही विकल्प समझकर खरीद रहे हैं उससे आपको कैंसर, डायरिया या मौत भी हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आज बात करेंगे ऐसे ही 5 भारतीय मार्केट में मिलने वाले नकली और जानलेवा फूड्स के बारे में जो शायद आप अनजाने में अब तक खा रहे थे। नंबर 5, पनीर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी रेस्टोरेंट के स्टाफ को रेस्टोरेंट में आए पनीर पर शक होता है, जिसके बाद वो पनीर के टुकड़े को खोलते हुए तेल में डालता है। पनीर को तेल से निकालने के बाद असली दिखने वाला पनीर लचीला और प्लास्टिक की तरह सिकुड़ जाता है। देखो, इतना बड़ा पीस डाला था पनीर, ये देखो पूरा देख सकते हैं आप, पूरा ये ऐसा हो गया। देखो, ये घटना कोई नई नहीं है। इन पनीरों को यूरिया और मेलामिन नामक घातक केमिकल से बनाया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिससे आपके घर की टाइल्स या प्लाईवुड बनी होती है। यही नहीं, ये लोग पनीर बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये वही एसिड है जिसकी कुछ बूंदें किसी के शरीर पर गिर जाए तो उसके शरीर को ये जला और पिघला सकती है। इस एसिड का असर आप एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं को देखकर लगा सकते हैं। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिर्फ इस केमिकल से बने बर्तन में ही खाने से आपको पथरी या आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो इसे आपके खाने में मिलाकर खिलाने से आपको क्या हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और ढाबों में पनीर का इस्तेमाल किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि 1 किलो पनीर बनाने में 5 से 7 लीटर दूध चाहिए, जिसके हिसाब से लगभग 300 रुपयों का सिर्फ दूध हुआ। मगर फिर भी आपके आसपास कई सारे ठेले वाले या दुकान वाले दिख जाएंगे जो आपको 1 किलो पनीर सिर्फ 150 से 200 रुपयों में बेचते हैं। दूध से भी कम भाव में पनीर कैसे मिल सकता है? ऐसी ही ये वीडियो है बिहार के पटना जंक्शन के पास की, जहां नकली पनीर रद्दी के भाव में बेचा जाता है। अब यहां से ये पनीर किसी के शादी या किसी के प्लेट तक जाएगा। जो देख रहे हैं ये नकली पनीर है, शायद आपको पता ना चले। कैसा लगे? लेना नहीं, वहां ले रहे हैं, वहां ले रहे हैं, वहां देख रहे हैं। मतलब बढ़िया सामान ले जा रहे हैं। हां, बढ़िया है। कैसे है, कैसे? 160 के हो गए। इस वीडियो में भाई साहब जहर को भी अच्छी क्वालिटी बताकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको ये पनीर 80 रुपए किलो के भाव में भी मिल जाएगा, जिसमें शायद दूध का इस्तेमाल ना के बराबर किया गया हो। ये लोग पूरे दिन में कई हजारों किलो नकली पनीर बेचते हैं और ऐसी जगहें हर बड़े शहर में होती है। बस चंद पैसों के लिए ये लोग जहर भी बेचने के लिए तैयार हैं। और हम इनसे ये सोचकर खरीद लेते हैं कि इन लोगों ने इसे घर पर बनाया होगा, इसीलिए ये सस्ता बेच रहा है। आप अनजाने में ऐसी चीजें अपने परिवार को परोस देते हैं जो आपको धीरे धीरे मारने का काम करती है। नंबर 4, जूस और कोला। फल या फ्रूट, इसे आप स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद मानते होंगे और इसीलिए आप किसी मरीज या सेहत से कमजोर व्यक्ति को पीने का सुझाव भी देते हैं। मगर जरा रुक जाइए और जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो है मुंडका दिल्ली का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैमरे के पीछे ये व्यक्ति समझा रहा है कि कैसे कुछ जूस वाले फूड कलर और कुछ अनार के दानों को मिलाकर आपका जूस तैयार करते हैं। वेरी सिंथेटिक फूड कलर, थोड़ा सा रंग लिया है, इसको इसके अंदर डालो, बन गया हमारा अनार का जूस। ये जो पतीला इस भाई ने ले रखा है, इस पतीले में ये रंग ऐसे घोलना है और इसमें थोड़ा सा अनार, ये 2-4 दाने पर लोगों को दिखाने के लिए जैसे दे पड़े हैं, बन गया भाई जूस, बन गया। बीमार आदमी को पिलाना है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, लो जी। अच्छा, यो गिलास है भाई 100 रुपये का। अच्छा, अरे यो गिलास है 60 रुपये का, यो गिलास है 100 रुपये का। लो भाई, बहुत बढ़िया बने। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाले ज्यादातर लोकल जूस या गोले बेचने वाले केमिकल फूड कलर या फैक्ट्री में बने बनावटी फ्लेवर का इस्तेमाल करते हैं। आपको जूस पीने पर खट्टा, नौरंगी या आम का स्वाद आता है। इसे फैक्ट्री में बनी सस्ती फ्लेवरिंग एसेंस से लाया जाता है, जो सिनेमिक एसिड, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल सिनेमेट जैसे खतरनाक केमिकल से बना होता है। वही नहीं, आपके जूस में कलर लाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि नेचुरल फूड कलर जैसे लाल, जिसे कॉचनिल नामक कीड़ों को पीसकर बनाया जाता है, मगर ये लोग इस कलर को भी इस्तेमाल नहीं करते। ये फैक्ट्री में बने फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कीड़ों से बने फूड कलर से भी सस्ती होती है। नंबर 3, फेक हनी।
आपने रास्तों पर कई सारे मधुमक्खी के छत्तों के साथ शहद बेचने वाले जरूर देखे होंगे। नहीं देखा तो अब देख लीजिए। इन लोगों को देखने पर पता चलेगा कि ये अभी अभी किसी मधुमक्खी के छत्ते को निकाल कर लाया गया है और उसकी पुष्टि शहद में चिपकी मधुमक्खियां कर देंगी और आपको लगेगा कि ये एकदम असली शहद है और ये आपको मार्केट से दोगुना भाव बताएंगे तो आप खुशी खुशी खरीद भी लेंगे। मगर जरा रुक जाइएगा, भले ही ये शहद का छत्ता असली हो मगर अंदर की शहद असली छोड़ो आपके खाने लायक भी नहीं होती। इसमें ये लोग थोड़ा शहद, नींबू और चीनी का इस्तेमाल करके नकली शहद बनाते हैं जिसके बाद कहीं से असली छत्ते को तोड़कर चीनी के घोल में मिला दिया जाता है जिससे आपको लगे कि ये तुरंत निकाला हुआ शहद है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे प्योर समझकर खरीदते हैं। कई बार विक्रेता इसमें फेविकॉल या वैरनिश जो आपके लकड़ियों को चमकाने में इस्तेमाल किया जाता है जैसे चीजों को चीनी के साथ मिलाकर बेचते हुए पकड़ा गया है। मगर ये तो हुई रास्तों पर शहद मिलने वाली बात, मगर हद तो तब हुई जब फैक्ट्रियों में इंजन ऑयल से शहद बनाते हुए पकड़ा गया। ये वीडियो सऊदी अरब की है जहां गाड़ी के इंजन ऑयल को मशीन और केमिकल के द्वारा शहद में परिवर्तित किया जाया पाया गया जिसे ये लोग 100% शुद्ध के नाम पर अच्छी बॉटल्स में पैक करके पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं जिसे आप मॉल या दुकान पर प्योर इम्पोर्टेड शहद के नाम पर खरीद लेते हैं। मशीन के द्वारा इसे ऐसे बनाया जाता है कि ये किसी भी छोटी लैब से पास हो जाए। सिर्फ भारत में ही नहीं ये अमेरिका और यूरोप में भी बिकते हुए पकड़ा गया है। नंबर 2, मीट्स एंड फेक एग्स। ये वीडियो चाइना का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति मीट को प्रक्रिया करने में पाउडर जैसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। इस पाउडर को ट्रांसग्लूटामिन से कहते हैं। ये लोग बचे कुचे मीट के टुकड़ों को इस एंजाइम की मदद से छिपाकर पूरी दुनिया में निर्यात करते हैं जिसको खाने से आपको सीलियक या दिनक की बीमारी तक हो सकती है। बस यही नहीं, वहाँ चूहों को भी केमिकल की मदद से मीट बनाकर निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि चूहे की मीट को खाने से सन 1346 से 1353 तक ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और उस समय पूरी दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 44 करोड़ थी। मतलब दुनिया के लगभग आधे लोग उस बीमारी के शिकार हुए थे। किसी जानवर के मीट को किसी और जानवर के मीट से मिलाने पर किस बीमारी का जन्म हो जाए किसी को भी नहीं पता। अब चलिए हमारे देश की बात कर लेते हैं। आपने नकली अंडों के बारे में तो सुना ही होगा। इन अंडों को सोडियम अल्जिनेट नामक केमिकल जिससे आपने पानी में फूलने वाले बॉल्स के रूप में देखा होगा, एल्यूम बेंजोइक एसिड नामक खतरनाक पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है जिसके बाद अंडे के अंदर के भाग को कलर और कैल्शियम क्लोराइड से बनाते हैं। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि ये लोग ऐसी भी चीजों से अंडे बनाते हैं जिससे घर या बिल्डिंग बनाते वक्त कॉन्क्रीट में इस्तेमाल किया जाता है। इन अंडों को खाने से ब्रेन डैमेज, लिवर की बीमारी या कैंसर तक हो सकता है। नंबर 1, नकली लॉबस्टर, झींगे, फिश और चिकन। लॉबस्टर जो एक समुद्री जीव है जो ज्यादातर आपको चाइनीज रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, शायद आप इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, मगर इसकी कीमत 1500 से 10,000 रुपए से भी ज्यादा होती है और ये ज्यादातर चीन से पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। मगर इस जीव की बढ़ती डिमांड की वजह से चीन के कुछ विक्रेता छोटे केकड़ों और इनके जैसे ही दिखने वाले समुद्री जानवरों में इंजेक्शन लगाकर बड़ा करते हैं जिसके बाद खतरनाक केमिकल्स और कलर से लॉबस्टर नामक जीव जैसा बनाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं फिर भी आपने झींगे का नाम तो सुना ही होगा। इसे भी इंजेक्शन लगाकर इसके वजन को बढ़ाया जाता है। यही नहीं, कई बार तो ये लोग पूरा जीव ही प्लास्टिक का बनाकर पूरी दुनिया में बेचते हैं और यही हालत है कि कई महंगी मछलियों और चिकन में भी केमिकल की मदद से सस्ते मीट को महंगे मीट के स्वाद में परिवर्तित किया जाता है। सस्ती मछलियों और चिकन में ऐसा कम देखा गया है, मगर कल उनमें भी कुछ गलत हो तो देखकर शॉक मत होना।